दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को लेके क्या एक्टिविटी जो ये चल रही है वो थोड़ा सा मैं एक आपको अपडेट दे दूं। लक्ष्मीबाई नगर जो रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट का जो काम है दोस्तों, वो तीन हिस्सों में चल रहा है या तीन प्रोजेक्ट में चल रहा है। पहला जो है वो जो डबलिंग का काम है उज्जैन देवास इंदौर, तो उसके तहत जो है वो नए प्लेटफॉर्म बनाए जाना है। और एक जो अपना जो अपने रोड है जो MR4, तो वो MR4 की तरफ जो नई बिल्डिंग बनाई जाना है, ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है जो आप देख रहे हैं 2 और 3 नंबर पे, और जो FOP पे जो आप काम देख रहे हैं, कवरिंग शेड के बढ़ाने का काम देख रहे हैं, वो काम जो है वो अमृत जो स्टेशन योजना है ये उसके तहत मंजूर हुआ है। तीसरा एक पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है लगभग 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा का, वो रतलाम रेल मंडल जो है वो गति शक्ति परियोजना के तहत जो कोर्ट को भेजा जा चुका है, वो अभी सैंक्शनिंग की जो है वो प्रोसेस में है। तो आज मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो डबलिंग वाला जो स्टेशन बिल्डिंग जो कि प्रपोज थी वो बहुत ही सामान्य सी बिल्डिंग थी, लेकिन अब चूँकि पूरे इसके स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है तो जो यह अब इसको लेके वेस्टर्न रेलवे का निर्माण विभाग जो है एक सेपरेट टेंडर जो है वो कॉल करने वाला है। लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए के आसपास का टेंडर रहेगा लक्ष्मीबाई नगर की जो MR4 तरफ की जो स्टेशन बिल्डिंग है, जो मौजूदा बिल्डिंग से आगे जो नाले की तरफ, अब नाले के बीच में बनेगी ये जो अभी मौजूदा बिल्डिंग है और जो आगे बाणगंगा नाला है, तो इसके बीच की वहाँ पर काफ़ी चौड़ाई में स्पेस है। मैंने आपको पहले आपको दिखाया भी है वीडियो में कि वहाँ पर काफ़ी चौड़ाई में जगह है, वहाँ पे नई बिल्डिंग ये पूरी बनेगी। लगभग आप मान सकते हैं लगभग 10-12 महीने का समय ये पूरा लगेगा। और अब जो इसका जो टेंडर है वो बहुत जल्दी फ्लोट होने वाला है। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि ये फरवरी एंड में, या बहुत से बहुत थोड़ा बहुत लेट हुआ तो मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में फ्लोट हो जाएगा। वैसे अफसरों का ही कहना है कि बहुत जल्दी हम इसको फ्लोट कर देंगे। अब ये अपन देखने लायक चीज़ होगी। तो ये लगभग 20-22 करोड़ रुपये की लागत वाला टेंडर जो रहेगा, तो इसमें एक तरफ की पूरी स्टेशन बिल्डिंग जो है वो पूरी इसमें डबलिंग प्रोजेक्ट में जो है वो पूरी बनाई जाएगी। और फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ऑनगोइंग ये अभी ये प्रोजेक्ट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और डबलिंग से जो है वो कुछ फंड यहाँ से लिया जाएगा, कुछ अमृत स्टेशन, और कुछ जो है वो पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है वो लिया जाएगा। अब आपकी स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होगी कि जो दूसरी तरफ की जो स्टेशन बिल्डिंग है जो कि जहाँ पे अभी कुछ नहीं है वो बाणगंगा एंड, तो बाणगंगा एंड का जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्रपोजल है वो रतलाम रेल मंडल रेलवे बोर्ड को भेज चुका है 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा का। तो वो जो प्रोजेक्ट है साथ में कुछ पिट लाइन वगैरह भी बनाने का है, हालाँकि वो फाइनल नहीं है कि पिट लाइन बनना है, लेकिन रतलाम रेल मंडल ने प्रपोजल जरूर भेजा है वहाँ पर कुछ 5 पिट लाइन बनाने का। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी सैंक्शनिंग की अभी प्रोसेस में है, अभी उसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो संभावित हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि इसको बहुत जल्दी संभवतः लोकसभा चुनाव के पहले ही उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। तो फिर इसके लिए फर्दर जो है जो भी टेंडर प्रोसेस है वो सब चालू होंगी। लक्ष्मी नगर की ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, और बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में मैं आपको इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ खास अपडेट दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आप और इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी मैं आपके साथ में इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी अपडेट लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।